गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ रिस्क के बारे में कि वो क्या हेल्थ की रिस्क हैं जो ओबेसिटी से जुड़ी हुई होती हैं। आपको ये चीज समझने की है कि जो ओबेसिटी है वो सिर्फ कॉस्मेटिक कंसिडरेशन नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप देखने में बेडौल लगते हैं, इट्स बेसिकली अ मेडिकल प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन। जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए हैं एज फार एज द ओबेसिटी इज कंसर्न। अगर हम लिटरेचर को देखें तो विज्ञान ऐसा कहती है कि इन अमेरिका अलोन अप्रोक्सीमेटली 112,000 लोगों की डेथ पर ईयर सिर्फ ओबेसिटी के कारण होती है। इन द मोस्ट डेथ्स इन द पीपल जिनकी BMI 30 के ऊपर होती है उनमें ओबेसिटी डेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जिन लोगों का जो BMI है वो 40 के ऊपर है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो नेचुरली कम हो जाती है। जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, इसका जो सेंटर है उसके सेंटर में हमेशा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो सभी समस्याओं की जड़ है। एक्चुअली इंसुलिन इंपॉर्टेंट है जो हमारे ब्लड वेसल्स में या खून में ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल्स के अंदर ले जाता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसके चलते ये ट्रांसपोर्ट गड़बड़ होता है या रेजिस्टेंस होता है तो ये ग्लूकोज वास्तव में हमारी सेल्स में नहीं जा पाता है और इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ता है। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन का लेवल ऊपर की तरफ है तो मान के चलिए कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो वास्तव में हमारी जो फैट सेल्स है उनको ग्रो कराता है, हमारा फैट है उसे ग्रो कराता है, हमें ओबेस बनाता है। तो इस बेसिकली द इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज द की टू द ओबेसिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपका रिस्क टाइप 2 डायबिटीज का काफी बढ़ जाता है। साइंस मानती है कि इंसिडेंस काफी ज्यादा है। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है एंड आपका पेट वास्तव में एप्पल शेप डिफॉर्मिटी में है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अगर हम नॉर्वेजियन स्टडी को देखें तो जो वेट गेन है वो वास्तव में इन फीमेल्स इट वाज फाउंड कि उसके चलते हाइपरटेंशन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेन। ऐसा नहीं है कि मेल्स में हाइपरटेंशन या हायर ब्लड प्रेशर नहीं होता है, लेकिन अगर फीमेल ओबीस हैं तो उन्हें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना मेल से ज्यादा है। तो अगर ओबेसिटी है तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज्यादा है। अगर ओबेसिटी है तो आपको कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, आपके लिपिड्स गड़बड़ होंगे। इन इट्स बेसिकली विशेष सर्किल। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल डिसलाइपिडीमिया है तो आपको फैटी लिवर होगा, आपको ओबेसिटी होगी। तो वास्तव में अगर ओबीज हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो लिपिड प्रोफाइल है या कोलेस्ट्रॉल है पूरा गड़बड़ा जाएगा। इट्स सिग्निफिकेंट एसोसिएशन एंड वास्तव में एक ये विशेष सर्किल है, इसलिए इससे सतर्क रहने की जरूरत है। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको जो ब्रेन का स्ट्रोक होता है या सीवीए जिसे कहते हैं या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसे कहते हैं उसके होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। क्योंकि ओबेसिटी अगर आपको है तो आपको हाइपरटेंशन होगा, ओबेसिटी है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, आपके ब्लड वेसल्स में फैट जमा हो जाएगा और लिपिड रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिसके चलते आपको स्ट्रोक होने की संभावना वास्तव में काफी ज्यादा होती है। इन्हें ऐसा माना जाता है कि जितने मोटे लोग हैं उनकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है और वो अगर सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो भी आपको स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका को मोटापा है या ओबेसिटी है तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस चीज की संभावना ज्यादा है कि आपको हार्ट की बीमारी होगी और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना हमेशा बढ़ जाएगी। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका BMI 29 से ज्यादा है, 29 से ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना नॉर्मल बॉडी वेट लोगों से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा है। देयर वाज अ फिनिश स्टडी जिसने बोला दैट अगर आपका 1 किलो वजन ओवर होता है नॉर्मल से तो 1% रिस्क हार्ट डिजीज होने की बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि आप 1 किलो भी वजन आपके आइडियल वेट से ऊपर करते हैं तो 1% रिस्क आप हार्ट की बीमारियों की तरफ मूव कर जाते हैं। साइंस ने ऐसा भी माना कि वो लोग जो ओबीस होते हैं जिन्हें कभी हार्ट अटैक होता है तो उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कभी हार्ट अटैक हुआ तो आपको वजन तेजी से कम करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा और आपका हार्ट का जो पंप है वो उतनी इफेक्टिवली
ब्लड को नहीं पंप कर पाएगा, जो आपके बढ़े हुए वेट या आपकी मोटी जो बॉडी है उसको संभालने में सक्षम हो, तो आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ेगी। मैंने पहले भी कहा कि जहां तक मोटापा है या ओबेसिटी है, इसमें कैंसर हमेशा ज्यादा होते हैं। कैंसर का एक ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। जहां तक हम देखें कि बड़ी आंत का जो कैंसर है वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ओबेसिटी के चलते होता है, लेकिन अगर हम अकेले पुरुषों में देखें तो कैंसर प्रोस्टेट एंड कैंसर रेक्टम, इन दोनों की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। अगर हम महिलाओं में देखें तो कैंसर गॉलब्लैडर एंड कैंसर यूट्रस, इनका रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। अगर हम पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉज की बात की महिलाओं को देखें तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हमेशा सामान्य से ज्यादा होती है। तो जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, ये मेल्स फीमेल्स दोनों में कैंसर ज्यादा करता है, बट अलग अलग स्टेजेस पर। तो इसलिए मोटापा कैंसर का एक इंपॉर्टेंट कारण है, उसे समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द गॉलब्लैडर स्टोन्स। आप जानते हैं कि हमारे देश में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में, जो गॉलब्लैडर स्टोन्स हैं, दे आर वेरी कॉमन। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आप फीमेल हैं, तो आपको गॉलब्लैडर होने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए गॉलब्लैडर स्टोन के रिस्क से अगर आपको बाहर निकलना है तो वेट आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द गाउट एंड गाउटी आर्थराइटिस। वास्तव में होता तो गाउट एंड गाउटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड के चलते है, प्यूरिन्स के चलते होता है, ये हाई प्रोटीन डाइट के चलते होता है, बट साइंस ऐसा मानती है कि जिन्हें ओबेसिटी है उन्हें गाउटी आर्थराइटिस होने का रिस्क या संभावना हमेशा ज्यादा होती है। लुक एट द ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये बढ़ती हुई एज की कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो नी ट्रांसप्लांट इज वेरी वेरी कॉमन ऑपरेशन विच इज बीइंग सीन। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, आपके जो वेट बियरिंग जो ज्वाइंट्स हैं वो इसकी चपेट में आएंगे, चाहे वो नी ज्वाइंट हो, चाहे वो हिप ज्वाइंट हो, चाहे लोअर बैक हो। दीज आर दी एरियाज जो वेट बियरिंग है जो सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। तो अगर आपको ज्वाइंट पेन से बचना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना है, आपको ट्रांसप्लांट से बचना है, तो आपको ओबेसिटी से बचने की जरूरत है। अगर आप ओबीज हैं तो आपके गले में पीछे की तरफ फैट ज्यादा जमा होता है। अगर फैट ज्यादा जमा होता है तो आप जब रात में सोएंगे तो आप खर्राटे ज्यादा लेंगे। जब आप रात में सोते हैं और खर्राटे ज्यादा लेते हैं तो एक्चुअली ड्यूरिंग स्लीप आपकी जो बॉडी है उसको एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलने से आप वेट भी आपका बढ़ता चला जाता है, प्लस दिन में आपको नींद भी आती रहती है, सुस्ती भी बनी रहती है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो स्लीप एपनिया है ये हजार तरह की बीमारियों के लिए वास्तव में इनविटेशन है। ये बहुत सारी बीमारियों के लिए वास्तव में एक रिस्क फैक्टर है, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, स्ट्रोक हो, हाइपरटेंशन हो, जो स्लीप एपनिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो इसलिए ये बहुत सारा स्पेक्ट्रम है प्रॉब्लम्स का या बीमारियों का जो वास्तव में ओबेसिटी के चलते आती हैं। तो इसलिए ओबेसिटी को कम करना या वजन को कम करना सिर्फ कॉस्मेटिक कंसीडरेशन नहीं है। अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे दिखने लगेंगे, आपके जो एक बीमारियों को रिस्क है वो सब्सटेंशियल कम हो जाएगी। ये बात सही है कि आपकी लॉन्गविटी बढ़ जाएगी। साइंस ने ऐसा माना कि जिनका वेट कम है उनका लाइफ स्पान हमेशा ज्यादा होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा ज्यादा होती है, उनके जो रिस्क फॉर डिजीजेस सीरियस डिजीज वो हमेशा सामान्य से कम होती है। तो इसलिए ये बॉडी वेट है वो हमेशा आइडियल रखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी आइडियल आप रख पाते हैं तो नियर आइडियल की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ रिस्क में ना फंसे। अगर आप समझते हैं कि ओबेसिटी के बारे में ये जानकारी आपकी जानकारी को बढ़ाने में और मददगार हुई है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा।